इस वीडियो में हम मई 2021 के बैंकिंग अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर हमारे पास है बैंकिंग अफेयर्स का, मई 2021 का है। विच बैंक हैज़ लॉन्च द डिजिटल पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक टू टारगेट ओवर 2 करोड़ रिटेल मर्चेंट्स इन द कंट्री। तो 2 करोड़ रिटेल मर्चेंट्स, रिटेल मर्चेंट्स का मतलब जो दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार, परचून की दुकान वाले, ठीक है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, कौन सा प्लेटफॉर्म? डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआईसीआई बैंक ने ये लॉन्च किया है। इनकी एक एप्लीकेशन है इंस्टा बिज नाम की एक एप्लीकेशन है, जो आईसीआईसीआई बैंक के हैं, इंस्टाबिज नाम की एप्लीकेशन। इसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी जानते हैं। आईसीआईसीआई बैंक लिंक्ड यूपीआई आईडी टू इट्स डिजिटल वॉलेट पॉकेट। तो आईसीआईसीआई बैंक का एक डिजिटल वॉलेट है जिसका नाम है पॉकेट, पॉकेट्स। इसको इन्होंने यूपीआई से, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से क्या किया है, अभी लिंक किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किसने लॉन्च किया है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आईसीआईसीआई बैंक का इसका आंसर होगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लॉन्च्ड कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द गारंटीड इनकम फॉर टुमारो। देखो, एक GIFT का फुल फॉर्म पूछ सकता है। GIFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गारंटीड इनकम फॉर टुमारो गिफ्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया है आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कंपनी ने। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा फिक्स। तो इन्होंने इंस्टा फिक्स भी लॉन्च की है। इंस्टा फिक्स किसकी मोबाइल एप्लीकेशन है? इंस्टा एफएक्स, सॉरी, इंस्टा फिक्स नहीं, इंस्टा एफएक्स। इंस्टा एफएक्स आईसीआईसीआई बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई ब्रांड फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज़ इमर्ज एज द 10th, यहाँ पर पे 10th आ जाएगा, 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। तो आईसीआईसीआई, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC 10वें नंबर में है मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में। और फर्स्ट नंबर पे है पिंग एन इंश्योरेंस। पिंग एन इंश्योरेंस एक चाइना की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो आगे बढ़ते हैं। द US हैज़ 2 कंपनीज इन टॉप 10, चाइना हैज़ 5, वाइल फ्रांस, जर्मनी एंड इंडिया है 1 इंश्योरेंस कंपनी ईच इन द लिस्ट। मोस्ट वैल्यूड कंपनी इज पिंग एंड इंश्योरेंस चाइना एज फार एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। अगर ब्रांड की बात करें कि कोई इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड है, तो उसमें जो है नंबर 1 में इटली की कंपनी है पोस्ट इटालियन लीड्स। पोस्ट इटालियन उसका नाम क्या है? पोस्ट इटालियन, इटली की कंपनी पोस्ट इटालियन है। और इसमें जो है अगर स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड के बारे में बात करें, तो इसमें इंडिया जो है 3rd नंबर में है। इंडिया की मतलब LIC जो है वो 3rd नंबर में है, वैसे 10th पोजीशन में है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं LIC के। LIC बीमा ज्योति पॉलिसी मिनिमम सम, इसमें LIC बीमा ज्योति पॉलिसी जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि मिनिमम सम जो है इसमें 1 लाख होना चाहिए, अपर लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है, और 90 दिन से 60 ईयर तक के लिए ये हो सकती है। LIC हैज़ अपॉइंटेड पेटीएम टू हैंडल इट्स डिजिटल पेमेंट। तो जितने भी डिजिटल पेमेंट हैं LIC के, इसको हैंडल करने के लिए LIC ने पेटीएम को क्या किया है, अपॉइंट किया है। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 4th डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 4th डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी अभी बने हैं टी रविशंकर। टी रविशंकर बने हैं। इसके अलावा जो 3 और हैं वो हैं MK जैन और माइकल पात्रा और MR राव। ठीक है, MK जैन और हैं माइकल पात्रा। माइकल पात्रा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा बहुत, MR राव। और फोर्थ बन गए हैं टी रविशंकर। फोर्थ बने हैं टी रविशंकर। बढ़ते हैं आगे। पब्लिक सेक्टर इश्यूअर द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कमिटी लिमिटेड हैज़ बीन रिक्लासीफाइड एज अ पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ विच बैंक।
तो पब्लिक सेक्टर इंश्योरर है, इंश्योरर, ठीक है, इंश्योरर जो इंश्योरेंस करती है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज रिक्लासिफाइड एज द पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ एक्सिस बैंक। तो इसका आंसर क्या है, एक्सिस बैंक। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, थोड़ा सा जानते हैं। आरबीआई हैज ज्वाइंड द सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर गारंटिंग द फाइनेंस सिस्टम, एनजीएफसी नेटवर्क फॉर, सॉरी गारंटी नहीं था, ग्रीनिंग था, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग, काफ़ी मिस्टेक्स हो रही है मुझसे बोलने में, ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो एनजीएफसी, आरबीआई हैज ज्वाइन द सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एनजीएफसी, यानी कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जिसको आरबीआई ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। लॉन्च एट द पेरिस वन प्लेनेट समिट ऑन दिसंबर 12, 2017, द एनजीएफसी इज अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स विलिंग टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिस एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर व्हाइल मोबिलाइजिंग मेन स्ट्रीम फाइनेंस टू सपोर्ट द ट्रांजिशन टूआर्ड अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। इसकी लोकेशन पेरिस में है, फ्रांस में। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। विच कंट्री हैज़ एडेड क्रिप्टो करेंसी फर्म टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग रूल्स? विच कंट्री हैज़ एडेड क्रिप्टो करेंसी फर्म टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग रूल? तो ये कंट्री का नाम है टर्की। तो इसका आंसर है टर्की। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी? तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बने हैं महेश बाल सुब्रमण्यम, महेश बाल सुब्रमण्यम बने हैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड महेश बाल सुब्रमण्यम एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सुरेश अग्रवाल हैज़ बीन एलिवेटेड टू एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक जनरल इंश्योरेंस। अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो उसके लिए सुरेश अग्रवाल बने हैं एमडी और सीईओ, और अगर कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसके बने हैं बाल सुब्रमण्यम, महेश बाल सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। सेबी हैज़ आज द कंपनी टू पे द मिनिमम ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ द की इम्प्लॉयज़। की इम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है? की इम्प्लॉयज़ का मतलब होता है एमडी, सीईओ, चेयरमैन, इस टाइप के जो बड़ी पोस्टें होती हैं, ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू बी इन म्यूचुअल फंड यूनिट। तो सेबी ने कहा है कि जो भी कंपनी के की इम्प्लॉयज़ हैं वो कितना परसेंट अपनी सैलरी का म्यूचुअल फंड यूनिट, उसी कंपनी के म्यूचुअल फंड यूनिट में रखेंगे, तो वो 20% है। तो 20% इसका आंसर है। सेबी हैज आज द कंपनीज टू पे द मिनिमम ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ द की इम्प्लॉयज ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू बी इन म्यूचुअल फंड यूनिट। तो इसका आंसर है 20%। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑन आईसीआईसीआई बैंक ओवर वायलेशन ऑफ रूल्स? तो इसका आंसर है 3 करोड़। तो 3 करोड़ का पेनल्टी लगाई गई आईसीआईसीआई बैंक पे, रिजर्व बैंक के द्वारा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड अ टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो 3 साल के लिए 50,000 करोड़ की इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए एक टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी आरबीआई ने प्रोवाइड करी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी ग्रुप अंडर हुज चेयरमैनशिप टू असिस्ट द सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी ग्रुप अंडर एस जानकी रमन चेयरमैनशिप टू असिस्ट द सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, RRA, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। तो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी बेसिकली है क्या, ये क्या करेगी, आरबीआई के काम को देखेगी, आरबीआई के काम को क्या करेगी, मॉनिटर करने के लिए होगी। तो एस जानकी रमन इसके क्या बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, एस जानकी रमन इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। विच बैंक हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ डिजिटल पेमेंट पार्टनर बाय द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम? तो ई नाम के लिए, तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ डिजिटल पेमेंट पार्टनर बाय द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
कोटक महिंद्रा बैंक को डिजिटल पेमेंट पार्टनर बनाया गया है। विच बैंक हैज़ बीन एक्सक्लूडेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट एज द बैंक हैज़ वॉज मर्ज्ड विथ DBS बैंक लिमिटेड, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। तो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड और लक्ष्मी विलास बैंक का क्या हुआ है, मर्जर हुआ है। DBS और लक्ष्मी विलास बैंक का भी क्या हुआ है, मर्जर हुआ है। तो इसको अभी सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है लक्ष्मी विलास बैंक को। अब वो DBS बैंक के नाम से ही जाना जाएगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। इंडिया एंड यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक हैव साइंड द फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेकेंड ट्रेंकी ऑफ €150 मिलियन फॉर विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो किस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इंडिया एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो पुणे मेट्रो के लिए किया है। हु इज़ द हेड ऑफ टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE, सोशल स्टॉक एक्सचेंज कंस्टिट्यूटेड बाई सेबी। तो उसका आंसर है हर्ष भानवाला। हर्ष भानवाला इज़ द हेड ऑफ द टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज कंस्टिट्यूटेड बाई द सेबी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। विच बैंक एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर टुगेदर हैव लॉन्च्ड चैट बोट ईवा ऑन CSC डिजिटल सेवा पोर्टल। तो इसका आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर CSCs टुगेदर हैव लॉन्च्ड चैट बोट ईवा ऑन CSCs डिजिटल सेवा पोर्टल। हु हैज़ बीन नेम्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो अभी एक नई कंपनी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी है, जिसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इसके अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, तो पद्म कुमार M. नायर, पद्म कुमार M. नायर इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके पद्म कुमार M. नायर बने हैं। विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एंटर द प्रीपेड पेमेंट बिजनेस। तो इसका आंसर है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस कंपनी हैज़ रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एंटर द प्रीपेड पेमेंट बिजनेस। तो प्रीपेड पेमेंट बिजनेस जो है होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड, एक होता है सेमी क्लोज्ड, एक होता है ओपन। तो क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम PPI क्या होता है। क्लोज सिस्टम PPI का मतलब होता है, जैसे कि हम बोलें कि गिफ्ट कार्ड, जैसे अमेज़न का गिफ्ट कार्ड होता है, तो गिफ्ट कार्ड हम केवल अमेज़न में ही यूज़ कर सकते हैं और कहीं यूज़ नहीं कर सकते, कैश विड्रॉल हम उससे नहीं कर सकते। सेमी क्लोज्ड में क्या होता है, सेमी क्लोज्ड में जैसे कि पेटीएम वगैरह हो गया, तो इसमें हम कैश विड्रॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी चीज़ें जैसे कि पेमेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओपन सिस्टम जैसे कि हमारे डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं और पेमेंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये PPI के बारे में था, यानी कि प्रीपेड पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट बिजनेस या प्रीपेड पेमेंट इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं PPI। बढ़ते हैं आगे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, आई का मतलब क्या है यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई चूज माई नंबर फीचर फॉर ऑल इट्स कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। तो ये इसका आंसर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज़ माई नंबर लॉन्च किया है। तो थोड़ा सा मैं इनके बताता हूँ कि इसके जो हेडक्वार्टर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, क्योंकि हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो वो बेंगलोर में है। और अजय कंवल इसके क्या है, MD है। इसके MD कौन है, अजय कंवल, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। जोस जे कटूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी। तो मतलब यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर है RBI, RBI। जोस जे कटूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। विच फाइनेंस सर्विसेज कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन सावधान रहें सेफ रहें। तो ये अभी कैंपेन लॉन्च करी है बजाज फाइनसर्व ने, फिनसर्व ने,
बजाज फिनसर्व ने ये कैंपेन लॉन्च करी है, सावधान रहें सेफ रहें। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। यूनाइटेड नेशंस इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ जीडीपी फॉर कैलेंडर ईयर 2021 एट व्हाट परसेंट। तो 7.5% यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट करी है इंडिया की जीडीपी 7.5% फॉर कैलेंडर ईयर 2021 के लिए। बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो हैज़ अनाउंस टू एक्वायर विच म्यूचुअल फंड फॉर ₹175 करोड़। तो इसका आंसर है इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड। विच NBFC हैज़ अनाउंस्ड इट्स कोलेबरेशन विथ फिनटेक नीरा टू ऑफर पर्सनल लोन ऑफ अप टू 1 लाख टू सैलरीड कस्टमर। तो इसका आंसर है मुथूट फाइनेंस। बढ़ते हैं आगे। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ पार्टनर्ड विथ द मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया टू डेवलप वॉइस बेस्ड सॉल्यूशन टू बूस्ट डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो इसका आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास हैज़ पार्टनर्ड विद द मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया टू डेवलप वॉइस बेस्ड सॉल्यूशन टू बूस्ट डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन इन इंडिया। लास्ट है करंट अफेयर हमारा। जियोजीत फाइनेंस सर्विसेज हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू ऑफर 3-in-1 अकाउंट। 3-in-1 अकाउंट तो आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद पंजाब नेशनल बैंक टू ऑफर अ 3-in-1 अकाउंट। ठीक है, 3-in-1 अकाउंट। एक लास्ट करंट अफेयर और कर लेते हैं। अ डॉक्यूमेंट दैट एक्ट्स एज अ प्रूफ इन इंडिया फॉर ऑल इनवर्ड रिमिटेंस एंड पेमेंट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज नोन एज फीरा। उसको बोलते हैं फीरा। फीरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस एडवाइस। फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस एडवाइस, तो फीरा इसका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी चीज़ें मैंने टाइम लगाया है बोलने में, लेकिन कोई नहीं, इसको एक स्पीड में देखना, तो स्पीड में ये कंप्लीट हो जाएंगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे।